नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में। मैं हूँ आपके साथ ऐश्वर्या। आज के एपिसोड में जानेंगे इसरो द्वारा हाल ही में छोड़े गए सबसे भारी रॉकेट के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या है मॉनसून से जुड़ी अच्छी खबर। इन सब के अलावा चर्चा का विषय होगा बदलते मौसम में कैसे रखा जाए अपने स्वास्थ्य का ध्यान। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। इसरो को हाथ लगी एक और सफलता, लॉन्च किया सबसे शक्तिशाली रॉकेट। भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान, देश में इस बार होगी झमाझम बारिश। गर्मी से राहत देने वाला वाटर कूलर बिना बिजली के पानी को रखता है ठंडा। और बदलते मौसम में क्यों बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा, करेंगे चर्चा खोज खबर में। अंतरिक्ष विज्ञान में एक और मजबूत कदम बढ़ाते हुए इसरो ने 5 जून को शक्तिशाली रॉकेट GSLV मार्क 3 DA का सफल लॉन्च किया। GSLV मार्क 3 ने अपने साथ संचार उपग्रह GSAT-19 को लेकर उड़ान भरी और इसे सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। इस रॉकेट में देश में ही विकसित क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है। वहीं इसकी से भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान में आए दिन सफलता की नई इबारत लिखने वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने 5 जून को भारत में निर्मित सबसे वजनदार प्रक्षेपण यान जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV मार्क 3 D1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ये सफल प्रक्षेपण शाम 5:28 पर किया गया। लॉन्च इज अ हिस्टोरिक वन, इट्स अ गेम चेंजर एक्चुअली, इट्स अ गेम चेंजर। दिस हैज ब्रॉट इन इंडिया द सेल्फ रिलायंस, मच मच रिक्वायर्ड सेल्फ रिलायंस इन द रन ऑफ 4-ton क्लास सैटेलाइट लॉन्चिंग फ्रॉम इंडियन सॉइल इटसेल्फ। वी डोंट हैव डिपेंड अपॉन एनी फॉरेन कंट्री। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। वी आर नाउ प्लानिंग ऑन सेमी क्रायोजेनिक विद लिक्विड हाइड्रोजन बीइंग रिप्लेस्ड बाय इसरोसिन व्हिच इज कॉल्ड एज स्पेशल केरोसिन, LS2 being not an eco-friendly fuel now, that is going to take us to around 6-ton class and the diameter will be around 6 meters. That is going to be a next step further. It's called HLV, heavy lift vehicle. करीब 200 हाथियों के बराबर वजनी GSLV मार्क 3 ने 3136 किलोग्राम वजन वाले संचार उपग्रह GSAT-19 को लेकर उड़ान भरी और प्रक्षेपण के 16 मिनट बाद अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। ये GSLV मार्क 3 का पहला मिशन है जिसका उद्देश्य प्रक्षेपण यान और इसमें लगाए गए स्वदेशी अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन को परखना है। आने वाले दिनों में GSAT-19 की कक्षा में परिवर्तन होगा जिसके तहत इसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस उपग्रह में लगे सोलर पैनल और एंटीना रिफ्लेक्टर्स भी काम करना शुरू कर देंगे और ये उपग्रह सेवाएं प्रदान करने लगेगा। गौरतलब है कि अकेला GSAT-19 उपग्रह पुरानी किस्म के 6-7 संचार उपग्रहों के बराबर है। ऐसे में ये उपग्रह देश के संचार संसाधनों को बढ़ावा देगा। इसरो वैज्ञानिकों का मानना है कि GSLV मार्क 3 के सुचारू रूप से काम शुरू करने के बाद भारत संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा और साथ ही दूसरे देशों के भी वजनी उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकेगा। गर्मियों के बढ़ते तापमान के बीच भारतीय मौसम विभाग ने एक राहत देने वाली खबर दी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस बार अच्छी बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार 98% औसत बारिश होने की संभावना है, जो कि आम लोगों के साथ साथ कृषि क्षेत्र के लिए भी एक अच्छी खबर है। भारत में मॉनसून का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलानी हो या फिर कृषि क्षेत्र को 14% तक जीवित रखना हो, मॉनसून भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जैसा कि भारत में गर्मी से राहत के लिए मॉनसून का लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक अच्छी खबर दी है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार वार्षिक मॉनसून वर्षा का औसत 98% तक रहने की उम्मीद है और इस बार वर्षा लंबी अवधि तक होगी, लिहाजा ज्यादा पैदावार और आर्थिक विकास की भी संभावना बढ़ेगी। इन व्यू ऑफ द पॉजिटिव सिनेरियो फॉर मानसून वी हैव अपग्रेडेड ऑल इंडिया फिगर फ्रॉम 96% टू 98% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज फॉर द फोर मंथ्स ऑफ जून जुलाई अगस्त सितंबर ऑफ 2017। सेंट्रल इंडिया वी एक्सपेक्ट दैट 100% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज शुड बी रिसीव्ड एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड एंड पेनिनसुलर इंडिया ऑल्सो 99% ऑफ द क्वांटम इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड वेराज नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया अबाउट 96% ऑफ दिस सीजनल क्वांटम इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड। जून 7 में हम खेत साफ करते हैं, बारिश आने का टाइम है, अभी खेत साफ करके रखे हैं, लेकिन अभी बारिश आएगा तो अच्छा होगा, 2 साल से बारिश नहीं है इधर, और बारिश आएगा तो तोड़ गिर पेरते हैं, बहुत पैसा डाल के हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं है, अभी बारिश आएगा तो सिर्फ बादल आते रहे, लेकिन बादल बारिश नहीं आ रहा है, खाली बादल आती जा रही है, लेकिन ये साल अच्छा बारिश आएगा तो अच्छा होगा हमारे को, पैसा बहुत डाल के हम चुप बैठे हुए हैं, मेहनत बहुत चला है लेकिन बारिश नहीं है इधर। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई महीने के दौरान पूरे देश में मासिक बारिश की औसत अवधि 96% रहने की संभावना है, जबकि अगस्त में औसत 99% है। इन दोनों आंकड़ों में 9% की त्रुटि है। पिछली बार वर्ष 2009 में भारतीय मॉनसून अल नीनो से प्रभावित हुआ था, इसके कारण 4 महीने का मॉनसून सूखे में बदल गया था, ऐसा 4 दशकों में पहली बार हुआ था। भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ कृषि पर आधारित है, ये देश के 2/3 लोगों को रोजगार भी मुहैया कराती है। गर्मियों में सबसे ज्यादा कोई चीज अगर हमें राहत देती है तो वो है ठंडा पानी, और ठंडे पानी के लिए हम ज्यादातर लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब एक ऐसा वाटर कूलर बना दिया गया है जो बिना बिजली पानी को प्राकृतिक तरीके से ठंडा रखता है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गर्मी के दिनों में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, हमारे शरीर को पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और हमें बार बार प्यास लगती है। ऐसे में प्यास बुझाने के लिए हम फ्रिज का ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। ऐसे में एक वाटर कूलर को विकसित किया जा चुका है जो बिना बिजली पानी को ठंडा कर सकता है। ये एक प्राकृतिक वाटर कूलर है जिसे विकसित किया है गुजरात के रहने वाले अरविंद आर पटेल ने। ये नेचुरल वाटर कूलर पानी के प्राकृतिक वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके लिए इसमें कॉपर ट्यूब्स लगाई गई है। इन कॉपर ट्यूब्स को विस्कोस फैब्रिक के साथ माउंट किया गया है जिस पर लगातार पानी गिरता रहता है। जैसा कि कॉपर यानी तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है इस कॉपर ट्यूब का तापमान भी बढ़ता जाता है और वाष्पीकरण के जरिए ये पानी को ठंडा करने में मदद करता है। 40 से 42 डिग्री के तापमान पर ये वाटर कूलर पानी को 23 से 27 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकता है। इस नेचुरल वाटर फिल्टर में पानी के ठंडे होने की प्रक्रिया मुख्य रूप से बाहरी तापमान पर निर्भर करती है, जिसमें बिजली की कोई आवश्यकता नहीं। खास बात ये भी है कि इसे आसानी से कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इसमें बेसिकली कॉपर ट्यूब्स रहता है, कॉपर ट्यूब्स के ऊपर विस्कोस करके एक फैब्रिक आता है, वो हम वाउंड करते हैं, कंटिन्यूअसली उसको वेट रखते हैं, मतलब बाय ड्रिपिंग वाटर। तो ड्यू टू नेचुरल इवापोरेशन, एयर सर्कुलेशन एंड हीट ट्रांसफर, पानी उसमें पानी ठंडा होता जाएगा। और आपको जैसे पता है कॉपर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जितना उसको नेगेटिव हीट मिलेगा इमीडिएटली वो पानी को ट्रांसफ़र कर देगा, तो उसी के चलते पानी ठंडा होता है। तो जितना एटमोस्फियरिक हीट ज़्यादा होगा उतना इवापोरेशन रेट ज़्यादा होगा, और जितना इवापोरेशन रेट ज़्यादा होगा
उतना ही आपको कूलिंग ज्यादा मिलेगा, बिकॉज इवापोरेशन लीड्स टू कूलिंग। वहीं दूसरी तरफ कॉपर को पुराने समय से ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता रहा है, इसलिए इस वाटर फिल्टर में मौजूद पानी में बैक्टीरिया उत्पन्न होने का भी खतरा नहीं होता और ये पानी स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इस वाटर कूलर का विभिन्न संस्थानों द्वारा ट्रायल किया जा चुका है, जिसमें सफल होने के बाद इसे देश के गर्म क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। किला गोलकुंडा हैदराबाद शहर का खास आकर्षण, बना चार किलों से मिलकर। 12वीं शताब्दी में वारंगल के राजा ने किया इसका निर्माण। एक समय कोहिनूर हीरा भी था इसकी शान। इस किले से कई राजवंशों ने किया राज। यहां मौजूद है कमाल का ध्वनि सिस्टम, जिसमें किले के सबसे ऊपर भाग में बैठा व्यक्ति सुन सकता है बाहर की आवाजें। यहां है शाही अपार्टमेंट, उठाऊ पुल, हॉल, राजाओं की कब्रें और मौजूद हैं शाही बगीचे। ये किले हैं हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों के मेलजोल की निशानी। किले के ऊपरी भाग में है कला मंदिर और है एक मस्जिद भी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। जगजीत सिंह बनता है जो आदमी, वो ऐसे नहीं बनता है। डेस्क के अंदर ही वो तबला खड़काता रहता था। शरारती बहुत था, बहुत शरारती। बचपन का कुछ था जिसको आप लफ्जों में समझा नहीं पाते। वो बारिश का अपनी छोटी उम्र में टू बी एबल टू कंपोज, अब तो घबरा के ये कहते हैं, ये इज अनथिंकेबल। आई लिव विद म्यूजिक, आई स्लीप विद म्यूजिक, आई ईट विद म्यूजिक। अपनी आवाज के जादू से सम्मोहित करने वाला ये किरदार है जगजीत सिंह। विरासत में देखिए खास श्रृंखला मैं जगजीत, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। हम्पी वक्त के पन्नों में सिमटी एक सभ्यता की दास्तान। एक आलिशान शहर, करीब 26 किलोमीटर इलाके में फैले महल, मंदिर और बाजारों के अवशेष करते हैं जिसकी भव्यता का बखान। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक और इतालवी निकोल दे कैंटी ने अपने वृत्तांत में लिखा है तब के हम्पी की खूबसूरती का बयान। 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुआ द्रविड़ियन वास्तुशैली के इस शहर का निर्माण। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज, राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए एक घर पर रे बसा बसिन पड़ावा, एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत।
चिल्का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील। ओडिशा में पुरी से करीब 50 किलोमीटर दूर सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त यहाँ होता है बेहद खूबसूरत नजारा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे डेस्टिनेशन फ्लाई वे के नाम से पुकारा। 1100 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली चिल्का है लाखों प्रवासी पक्षियों का बसेरा। इसके खारे पानी में रहती हैं 225 तरह की मछलियाँ, हजारों जलीय वनस्पति और जीव जंतुओं की 800 से ज्यादा प्रजातियाँ। मई जून की तेज गर्मी के बाद होने वाली बारिश से राहत तो मिल जाती है, लेकिन इसके साथ ही बीमारियां भी दस्तक देने लगती हैं। वातावरण में नमी के कारण वायरस, बैक्टीरिया और फंगस बढ़ने लगते हैं। वहीं जल जमाव की वजह से डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियां अपने पैर फैलाने लगती हैं। इसके साथ साथ बदलते मौसम में दूषित पानी और भोजन की वजह से संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। तो आज के अपने सेगमेंट खोज खबर में चर्चा करेंगे इसी विषय पर, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में गर्मी का पारा ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन इस बीच भारतीय मौसम विभाग के अनुमान ने देश को एक बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार देश में मानसून की 98% रहने के आसार हैं, यानी कि इस बार जमकर बारिश होगी। लेकिन बदलते मौसम के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहने की काफी जरूरत है, क्योंकि यही वो समय होता है जब कई तरह की बीमारियां फैलती हैं और लोगों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। कारणों पर नजर डालें तो बारिश के बाद वातावरण में नमी हो जाती है, जिससे वायरस, फंगस और बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिलता है और ये बीमारियों को जन्म देते हैं। वहीं दूसरी ओर पानी के इकट्ठा होने की वजह से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां अपने पैर फैला लेती हैं। We have to be very very careful because generally in the pre-monsoon time in Kerala there will be an increase in the fever incidents. But at this time it's unusually when compared to the previous years, this time it is very very high. Especially what I understand is general hospital as well as in the majority of the private hospitals are overflowing with the fever patients. Of this even I am seeing around 3-4 cases per day. दूसरी तरफ मॉनसून के समय ही संक्रमण का भी खतरा बढ़ता है। गंदे पानी और खाने के सेवन की वजह से लोगों में हैजा और फूड पॉइजनिंग की समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जबकि जुकाम और इन्फ्लुएंजा भी संक्रमण की वजह से ही होते हैं। ये सभी बीमारियां सामान्य लक्षणों से शुरू होती हैं, लेकिन ध्यान न दिए जाने पर भयानक रूप ले लेती हैं। ऐसे में जरूरी है कि मॉनसून के स्वागत के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखा जाए और छोटी छोटी सावधानियां बरतकर खुद को बीमारियों से बचाया जाए। तो इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कर्नल विजय दत्ता जी, जो कि ISIC में सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दत्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर दत्ता, जैसे कि मॉनसून आने वाला है तो लोगों को गर्मी से तो काफ़ी राहत भी मिलेगी, लेकिन बदलते मौसम में हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे आपने बताया कि बदलते मौसम, जब मानसून शुरू होता है या मानसून के बाद टेम्परेचर जो शुरुआत में गर्मी के टाइम का वो ज़रूर कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने के बाद जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है वो चाहे कम हो जाता है लेकिन बॉडी हीट लॉस नहीं होता, जिसके कारण से हमें जो हम स्वेट हमारा निकलता है या पसीना निकलता है वो सूखता नहीं है। उसकी वजह से हम जो है बॉडी वाटर और बॉडी सॉल्ट वो हमारे ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट जो हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं वो हो जाता है। इसकी वजह से हीट इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट जो कि टेक्निकल टर्म में बोला जाता है, हीट
एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, ये सब एक सेट ऑफ प्रॉब्लम है। दूसरा है पानी जहाँ पे इकट्ठा होगा वहाँ पे मक्खी और मच्छर पैदा होंगे जी। मक्खी की वजह से आपको कॉलरा या और फूड बॉर्न डिसऑर्डर्स या वाटर बॉर्न डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जी। दूसरा है मॉस्किटोज, मॉस्किटोज बॉर्न डिसऑर्डर्स में वायरल इन्फेक्शन और दूसरे तरह के इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन जो है वो है चिकनगुनिया, डेंगी फीवर और दूसरा है मलेरिया जी। जो कि सभी मेट्रोपोलिस सिटी में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। सो इन सब का आपको सबको बर्ताव और सबको इसके बारे में ध्यान रखना है कि आप इसको अपने आप को संभाल के रखें और अपने आप को इससे दूर रखें जी। लेकिन डॉक्टर दत्ता, आपने बताया कि किस तरह से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो इस मौसम में वो तो कम हो जाता है लेकिन बाकी चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं, लेकिन बदलते मौसम में ही क्यों इस तरह से बीमारियों के बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, ये जानना चाहेंगे आपसे। मैडम ऐसा है, जो हमारा शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है जी, वो चेंज ऑफ टेम्परेचर के टाइम में बॉडी जो है वो इम्यूनिटी कम हो जाती है एक, और दूसरा जो है ये मॉस्किटो ब्रीडिंग और फ्लाई ब्रीडिंग ज़्यादा होने की वजह से फूड बॉर्न डिसऑर्डर्स एंड वेक्टर बॉर्न जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा होने का संभावना है जी। तो इस कारण से आपको डेंगी फीवर, चिकनगुनिया फीवर या मलेरिया फीवर आपको होने का ज़्यादा चांस है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं कि लूज मोशन, टाइफाइड फीवर, ये होने का ज़्यादा आपको संभावना है। सो ये सब जो है ये वाटर या फूड बॉर्न डिसऑर्डर है। तो अगर आपका पानी दूषित है या खाना दूषित है किसी भी कारण से, चाहे आप अच्छी जगह से खाना ले रहे हैं लेकिन उसका फूड हैंडलर कैन बी अ वेक्टर, कैन बी अ पर्सन हु इज गिविंग दिस इन्फेक्शन टू द होल सेट ऑफ पीपल। सो इस बात का सबको ध्यान रखना है जी। कि आप जो बीमारी जो है वो आपके ना चाहने के बावजूद भी आपको फैल सकती है। बिल्कुल डॉक्टर दत्ता, आपने जिस तरह से बताया कि मच्छरों के कारण जो बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में हम लोगों को अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप फूड बॉर्न डिजीज़ की भी बात कर रहे थे, तो इन बीमारियों से बचने के लिए और क्या क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए? सबसे पहला और जो वेक्टर बॉर्न डिसऑर्डर्स हैं जी, वो बेसिकली जो एडीज मॉस्किटो है वो तो दिन में काटता है और उसकी लोकल ब्रीडिंग होती है। तो आपके घर में जहाँ पे कूलर है या वाटर स्टैग्नेशन जैसे गमला में, या आपने पानी रखा है जैसे पक्षी को देने के लिए, या आपने इस जगह से पानी रखा है जो कि रेगुलर आप चेंज नहीं करते, वंस ए वीक आपको अपने कूलर का पानी चेंज करना है, या एसी का पानी कहीं एक जगह स्टैग्नेट हो रहा है, या रेन वाटर कहीं किसी डिच में या किसी नाला में स्टैग्नेंट हो रहा है, तो उसमें इंसेक्टिसाइड का डालना जरूरी है और आप उसको पानी को निकालना और पानी का बदलना जरूरी है। ये एक हो गया प्रिवेंशन। दूसरा, क्योंकि ये मॉस्किटो डे टाइम में काटता है तो आपको फुल स्लीव के जो हैं कपड़े पहन के रखने हैं और अपने आप को कवर रखना है, या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट जो क्रीम्स आती हैं उसको लगाइए। दूसरा तरीका है कि आप जो है जो एनोफिलीज मॉस्किटो है, मलेरिया जो फैलाता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काटने से, तो वो रात को होता है, तो या तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा के सोएं जी, या फिर जो बेस्ट पॉसिबल है गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको बोला जाता है वो है कि मॉस्किटो नेट के अंदर सोया जाए जी। जी, और बहुत और जी। बाकी जो है आपको जब ये प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत से तुरंत जल्दी बगैर टाइम वेस्ट करें जो है डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल, तो भीषण गर्मी झेलने के बाद मॉनसून का मौसम शुरू हो गया है, तो जमकर इस मौसम का लुत्फ उठाइए, लेकिन बारिश अपने साथ कई तरह की बीमारियों को भी लाती है, तो अपना और अपने परिवार का ज़रूर ध्यान रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दत्ता इन सारी जानकारियों के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते हम होंगे फिर हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और दिलचस्प कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।